सुमिखा, अंबिकापुर से देखेंगे जहां पर डीजल में पानी की मिलावट का एक मामला सामने आया है और मामला एमजी रोड पर होली क्रॉस स्कूल के सामने मौजूद पेट्रोल पंप का बताया जाता है, जहां पिकअप वाहन में डीजल भरवाने के बाद वाहन के 2 किलोमीटर चलने पर ही वो गाड़ी बंद हो गई और गाड़ी की जांच में पता चला कि डीजल में तो पानी मिला होने की वजह से ये गाड़ी बंद हुई है। वही मामले में पिकअप वाहन संचालक की शिकायत पर पंप संचालक ने मिलावट की बात से साफ इनकार कर दिया, जिसको लेकर दोनों में जमकर विवाद हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया। वहीं पेट्रोल पंप संचालक खुद पर लगाए गए तमाम आरोपों को सिरे से खारिज करता हुआ नजर आया। लाके डाला मैंने यहाँ डीजल भर कर, उसके बाद क्या करते हैं गाड़ी मेरी गई आपका गांधी चौक तक, वहाँ जाने में गाड़ी बंद हो गई। वहाँ से फिर मैंने फिर भाग लाया गाड़ी को, ड्राइवर फोन किया मेरे को, तो फिर शोरूम में लाया, उस बाद उसको खुलवाया तो पता चला उसमें डीजल के साथ पानी मिक्स था। आरोप लगाया हूँ एक बार, यहाँ के चेक भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, मेरे टंकी डीजल का एक है, पेट्रोल का भी तो है, आप चेक कर सकते हैं कभी भी, अगर निकल जाएगा तो हमारा